आज मैं आपको ड्रिल मशीन पर होने वाले विभिन्न ऑपरेशन के बारे में बताएंगे कि ड्रिल मशीन पर कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं। डिफरेंट इनिशियल बोलते हैं, डिफरेंट ऑपरेशन ऑन ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन पर होने वाले ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशन ड्रिल मशीन पर किए जाते हैं। नंबर एक, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या है? यह एक प्रकार का ऑपरेशन है जो ड्रिल मशीन में ड्रिल को फिट कर के धातु या धातु के अंदर आर पार होल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ड्रिलिंग। यह एक प्रकार का ऑपरेशन है। ड्रिल मशीन में ड्रिल को बांधकर धातु में धातु के अंदर आर पार होल किया जाता है। जो कि गोल होता है, जैसे कि आपका वर्कपीस है, इसमें ड्रिल बिट के द्वारा होल किया गया है और जो भी इसमें ड्रिल बिट के द्वारा जो भी धातु की कटिंग हुई वो कटिंग फ्लूइड के माध्यम से वो चिप्स बाहर निकल जाते हैं और जो कूलेंट वगैरह है वो भी फ्लूइड के माध्यम से, ये दिखाई दे रहे हैं कटिंग फ्लूइड बोलते हैं, इन फ्लूइड के माध्यम से जो है कटिंग पॉइंट तक कूलेंट आसानी से चला जाता है। तो इसके लिए वो क्या कहते हैं? ड्रिलिंग। दूसरा ऑपरेशन है रिलिंग। रिलिंग क्या है? ड्रिल के द्वारा जो होल किया जाता है उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती, उसे एक्यूरेसी में तैयार करने के लिए रिलिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। उसमें ड्रिल मशीन में ड्रिल बिट की जगह रिमिंग टूल को बांधकर और ड्रिल के लिए होल में रिमिंग करते हैं और इस रिमर के द्वारा जो है रिमर के द्वारा बहुत ही कम धातु जो है काटी जाती है और इसकी एक्यूरेसी जो होगी जो रिमर के द्वारा जो होल होगा वो 0.02 मिलीमीटर से 0.05 मिलीमीटर तक होती है। तो ये था करीब। तीसरा है आपका बोरिंग। बोरिंग में क्या है? जो ड्रिल किया हुआ होल होता है, सपोज
ड्रिंक के भी होल मिल रहे हैं, एक बोरिंग बाटू बोलते हैं। यह क्रिया ड्रिल मशीन पर की जाती है। इसका प्रयोग सुराख को बड़े साइज का बनाने के लिए किया जाता है। यह क्रिया ड्रिल मशीन पर की जाती है। इसका प्रयोग बड़े होल करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग बड़ा होल करने के लिए करते हैं। बोरिंग टूल का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जिससे कि हमारे पास उतना बड़ा ड्रिल बिट नहीं है, तब हम उस जगह जो है बोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। चौथा है आपका काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग काउंटर सिंक टूल का प्रयोग तब किया जाता है ये काउंटर सिंक टूल है। काउंटर सिंक टूल का तब प्रयोग किया जाता है जो काउंटर सिंक स्क्रू है उसको जॉब की सतह तक बिठाने के लिए। काउंटर सिंक टूल जो है वी आकार की सतह तैयार करता है और जो काउंटर सिंक स्क्रू होते हैं वो आसानी से उसकी सतह पर बैठ जाएगा। पांचवा है टैपिंग। टैपिंग क्या है? एक दिल के लिए होल में टेप टूल के माध्यम से मशीन टेप टूल के माध्यम से ड्रिल किए हुए होल में ड्रिल किए हुए होल में इंटरनल थ्रेड निकाली जाती है। इंटरनल थ्रेड बनाई जाती है। तो वहां टैपिंग का प्रयोग किया जाता है जब किसी ड्रिल के भी होल में इंटरनल अंदरूनी चूड़ियां काटी जाती है वहां टैपिंग टूल का प्रयोग करते हैं। सपाट फेसिंग सपाट फेसिंग में जो जॉब है उसके फेस पर
चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। सपाट फेसिंग टूल जो है ये नट और वॉश है जो कि सतह के साथ सही बैठ सके। सपाट फेसिंग टूल का प्रयोग किस जगह करते हैं, जहां नट व वॉश सही बैठ सके। ना सपाट फेसिंग टूल का प्रयोग करते हैं। यह अलग अलग धातु के अलग है, जैसे काउंटर सिंगल ग्रिट है उसके लिए 75 डिग्री रखा जाता है, सेल टेपिंग द्वारा चूड़ी काटने के लिए उसका एंगल 80 डिग्री रखा जाता है, और सुराख ड्रिल के लिए होल में जो बड़ा होती है उसको साफ करने के लिए 90 डिग्री रखा जाता है, और टेप द्वारा चूड़ी काटने से पहले सुराख की चैम्परिंग करने के लिए उसका एंगल 120 डिग्री रखा जाता है। तो आज आपको यह ड्रिल मशीन पर होने वाले ऑपरेशन के बारे में बताया, कल आपको ड्रिलिंग करते समय जो हानियाँ होती हैं और डिग्री के द्वारा जो हानियाँ होती हैं उसके बारे में बताएंगे।